वैसे सच बताना कैसा लग रहा है तुम्हें आज आसमां से सीधे जमीन पे आके? क्या कहती थी तुम कि मेरा प्यार अरमान, जिसे मुझसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता, वही अरमान आज तुमसे इतनी नफरत करने लगा? आसमां यार, क्या करोगी तुम अब? आसमां, ये वही लेटर है जिसके लिए तुम पागलों की तरह घूम रही थी, जिसके लिए तुम इतनी बेचैन थी, ताकि तुम इसे मेरे अगेंस्ट यूज कर सको, सबको जाके ये बता सको कि देखो आलिया तो कितनी बड़ी फ्रॉड है, राजा के साथ गलत करना चाहती है, मेरे अरमान को मुझसे छीनना चाहती है। यही था ना प्लान तुम्हारा? ओएल कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उठारिया के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जिस तरीके से कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उठारिया में हम इतने दिनों से देख रहे थे कि आलिया कभी तो राजा को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, कभी आसमां को। आसमां की आंखों के साथ जो आलिया ने किया वो हम सभी जानते हैं। आसमां की सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद आसमां को दिखाई देने लगा था, उसका विजन जो है क्लियर था, लेकिन यहाँ पर आसमां ने ड्रामा क्रिएट किया कि उसे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ था ये लटा गया? अरे मेरी चीज है तो मेरे पास ही होगी ना आसमां। आलिया, आलिया क्या कर रही हो तुम ये? प्लीज प्लीज, कितनी आसानी से बेवकूफ बना देती हूँ मैं इस जासूसनी को। इसे क्या पता मैंने लेटर नहीं बल्कि कोरा कागज चलाया है। लेटर तो मेरे पास है जिसका इस्तेमाल होना अभी बाकी है। अभी तो राजा सुसाइड करेगा, फिर अरमान मेरा होगा। जिसकी वजह ये थी कि आसमां आलिया पर नजर रखना चाहती थी और यही उसे सबसे अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे आलिया एक और चाल चलती है, जहां पर वो आसमां को जंगल पहुंचा देती है और ताकि शेर उसे खा जाए, वो मर जाए। अब अरमान जब आसमां को ढूंढता है तो उसे पता चल जाता है आलिया का ही किया धरा है। आलिया जैसे तैसे सच उगलती है और फिर जैसे तैसे अरमान आसमां को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल के घर भी लेकर आ जाता है, क्योंकि आलिया ने ये सब किया है। ये बात घर वालों के सामने आती है, घर वाले आलिया को तमाचा मारते हैं, उसे डांटते भी हैं, सुनाते भी हैं। दूसरी तरफ अब क्योंकि आलिया को लेना है आसमां से बदला, तो वो आसमां की आंखों की सच्चाई सबके सामने लाएगी। यानी कि जब बात चल रही होती है घर वालों के बीच में, तो अचानक से आसमां जो है वो देखती है झूमर की ओर कि झूमर नीचे गिरने वाला है। आसमां को सबसे जरूरी लगता है कि बस भागकर अपने परिवार को बचा लूं, और वो बचा भी लेती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं आलिया कहती है देखो आसमां की रोशनी गई नहीं थी, आसमां झूठ बोल रही थी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताओ और कर दो।